नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। राजस्थान के नागौर की मकराना मस्जिद के मौलाना शमसुद्दीन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वो राहुल गांधी की रैली के लिए भीड़ जुटाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वीडियो का न हिंदू मुसलमान के विवाद से कोई संबंध है, न किसान आंदोलन से। ये बात खुद मौलाना ने इंडिया टीवी से कही है। आपको उनकी पूरी बात सुनाएंगे। पहले मौलाना शमसुद्दीन का वो वीडियो सुनिए जो वायरल हुआ है। सदर पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब और खान विभाग के मंत्री और दूसरे मिनिस्टर हजरात ये तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे MLAs आ रहे हैं। तो इस मौके पर जो टाइम दिया गया है, ऐलानात भी हो रहे हैं शहर में, उसका आप ध्यान रखें और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। यह इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं आखिर मौलाना शमसुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। हमारे शहर मकराना का रोजगार तकरीबन सदियों से माइंस जुड़ा हुआ है और हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 2025 की तलवार लोगों के ऊपर लटक रही है, जिससे कि माइंस की नीलामी होने का खदशा पैदा हो चुका है। इस बुनियाद पर आह्वान किया गया कि खान जो है दरअसल स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह ले तो 2025 को बढ़ाकर 2040 भी कर सकती है, 50 भी कर सकती है। इसलिए कि लाखों हिंदू मुस्लिम 36 कौम के लोगों का रोजगार इसी खान से जुड़ा हुआ है।